अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम करते हैं एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज भी लोग हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज दिन थोड़ा बिजी था, बहुत सारे काम थे वो किए हैं और कुछ मामलात थे वो भी हल किए हैं, और अभी टाइम मिला तो हमने सोचा कि आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तकरीबन 5 या 5:30 हो रहे हैं और गाड़ी ऑफिस में फ़िलहाल एक भी नहीं है, सब गाड़ियाँ बुकिंग पर गई हुई है। एक गाड़ी कराची से आई थी लेकिन वो दोबारा कराची चले गई है, और फिलहाल ये कि 4 गाड़ियाँ चाहिए थी हमें, एक लोकल ड्यूटी है उसके लिए गाड़ियाँ चाहिए थी, तो हमारे ऑफिस में तो गाड़ियाँ नहीं थी, तो बाहर से गाड़ियाँ हमने अरेंज की हैं। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे तो हम आपको वो भी वीडियो दिखा देंगे कि गाड़ियाँ कौन कौन सी एंड कहाँ जा रही हैं एंड किस लिए जा रही हैं, वो भी आप लोगों के लिए एक गेस कर सकते हैं आप लोग के किस लिए जा रही होंगी। बाकी हम आगे आपको वीडियो में बता देंगे कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी एंड क्यों जा रही थी। एहसन भाई अभी थोड़ा बाहर गए हुए किसी काम से, तो वो आते हैं तो हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं एंड जो भी होगा आगे अपडेट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हमारे पास आए हुए हैं नबी बख्श, जो हमारे साथ पहले ऑफिस में ही होते थे, अब इन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, अभी ये ट्रक चला रहे हैं, हम आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, खैर भाई कैसे हो? अल्लाह के साथ। आज इतने दिनों बाद आए हो, भूल गए थे हम सबको। नहीं नहीं, ऐसे भाइयों की याद आती थी। सही सही, आज घूमने आ गए। सही, ऐसे गाड़ी पे थे, आज टाइम मिल गया भाइयों के पास आ गए। और काम कैसा चल रहा है ट्रक पे? ये भाई अभी चला रहे ट्रक, कौन सा ट्रक चला रहे हो आप? 10 व्हीलर है। माशाल्लाह सही है, बचत अच्छा है, अच्छी है। शुक्र है अल्लाह के साथ। सही सही सही। और खैर ठीक ठाक। ये एहसन भाई सोए हुए थके थक जाते हैं ये, क्योंकि रात को 2 बजे तक भी इनको कॉलें आती हैं, तो अभी ये यहाँ पे सोए हुए आराम कर रहे हैं। हमने सोचा हम आपको अपने भाई से मिलवाते हैं, नबी बख्श भाई से मिलवाते हैं, तो अभी आगे जो भी अपडेट होती है वो हम आपको देते हैं। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हमारी सिविक आ गई है कराची से वापस, कल लोकल बुकिंग मारने के बाद कराची चले गई थी हमारी गाड़ी, और अभी अभी आई है वापस। इसके बिना ऑफिस हमारा खाली खाली लगता है। अकरम भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं, अकरम भाई वापस आते हैं तो फिर हम ये के उनसे हम बातचीत करते हैं कि भाई कैसा रहा सफ़र, क्या सीन था क्या नहीं था। अभी ऑफिस में आ जाएंगे अकरम भाई। अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अकरम भाई ऑफिस में आ जाएंगे तो उनसे बातचीत करते हैं, और ये बैठे हुए हैं एहसन भाई। एहसन भाई सुबह से ला बताओ। यही हूं यार, कहां जाऊंगा भाई, भाई हमें तो नजर नहीं आया, सोए हुए थे मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया तो यार बस यार। नींद नहीं पूरी की क्या आज? सही, हमें अच्छा अच्छा अच्छा। एहसन भाई अपनी अपनी सर्विस के 24 घंटे है या क्या सीन है, थोड़ा बताओ ना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, ये क्या मामला हुआ है सिविक का, थोड़ा बताएं ताकि आवाम को भी पता चले कि खाली पैसे ही नहीं मिलते, साथ में मसलियात को भी करना। जी जी बिल्कुल बताएं क्या हुआ। मसला ये हुआ कि बंदे आए, उन्होंने गाड़ी बुक कराई किसी ड्राइवर के तरफ। ठीक है, गाड़ी बुक कराई उन्होंने, और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि गाड़ी जो है हमारी बुक कर दो और जो है पेमेंट जो है हम आपको दे देंगे, 4 बजे का टाइम है, 4 बजे गाड़ी फ्री कर देंगे, 6 बजे मुझे गाड़ी भेजनी थी कराची। अच्छा दो बुकिंग थी? दो बुकिंग थी, तो मैंने उनको बोला था 4 नहीं, आप 5 बजे गाड़ी फ्री कर देना, लेकिन गाड़ी जल्दी फारिग कर देना, 5 का मतलब 5-4 अपने कमिटमेंट पे फ्री कर देना। उन्होंने 6 बजे आ दिए, ऊपर से इसको पैसे भी नहीं दिए। अब ड्राइवर इंतजार में खड़ा हुआ घर के बाहर, वो अपने दुल्हन लेके घर में चले गए, बाहर ही नहीं निकल गए। अच्छा पेमेंट ही नहीं की उन्होंने? पेमेंट नहीं करी। अब वो ना वो गाड़ी में कुरान शरीफ रखा हुआ, रेगियन का ये रखा हुआ, सही, तो ना वो लेके गए और ना उन्होंने पैसे दिए, ना फोन उठा रहे। मैंने ड्राइवर को बोला ऐसे आ जाओ, ये आ गए जल्दी, क्योंकि ड्राइवर आगे गाड़ी देनी थी, कमिटमेंट खराब हो रही थी, तो कराची वालों को गाड़ी दे दी आज। वो उनको आज अगर ये कुरान शरीफ की जगह उनका बैग रह गया होता ना उनकी बीवी का या बच्चों का या कुछ भी, चाहे पैंपर क्यों ना होते, वो जरूर लेने आते, समझ रहे हो। और कुरान पाक को उन्होंने याद भी नहीं किया, कुरान शरीफ यहाँ पे रह गया उनका, उनको ख्याल ही नहीं है, वो बोला कहाँ जाएगा आ जाएगा, तो लोगों को शर्म नहीं है ना हया है, उनको शर्म आनी चाहिए लोगों को जो है ना, कि गाड़ियाँ करवाने का तो शौक होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इखलाक भी होता है, ठीक है ना। अब हम तो कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी सर्विस करें, लेकिन जहाँ लोग ऐसे मिल जाए और ड्राइवर अगर वो अपना बिहेव चेंज करे तो फिर क्या रहे, क्या होगा कि ड्राइवर मतलब मिस निकला, बिल्कुल अपना इंसान कुछ भी नहीं सोचता है। तो इसमें ये कि मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर गाड़ियाँ करवा रहे हैं तो उनका ख्याल भी करें, ड्राइवर अदालत का,
ताकि ड्राइवर हजरात भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करें। ठीक है अकरम भाई, फिर अभी आपका रब्ता हुआ उनसे, पैसे वगैरह मिले अभी तक या नहीं? भाई रब्ता हुआ है, कल का बोल रहे हैं। अच्छा अभी भी कल का बोल रहे हैं? जी। सही 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 भाई, असल में अब हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो गाड़ियां हमारे पास होती है वो हमारी कोई पर्सनल गाड़ियां नहीं होती, वो आगे मालकान की गाड़ियां होती है। पेमेंट ड्राइवर को मिलती है थोड़ी सी, जो उसकी दिहाड़ी होती है उसको वही मिलती है, बाकी पैसे आगे जाते हैं मालकान को जाते हैं। तो आप लोग बराए मेहरबानी अगर गाड़ी करवाते हैं तो ये उधार वाला सिस्टम ना किया करिए। अगर हम भी आपको इतनी मतलब रेलिवेंस दे रहे हैं कि आप एक दिन बाद दे दो, तो आप एक दिन से दो दिन कर रहे हो, दो दिन से तीन दिन कर रहे हो, तो हमें तो खुद अच्छा नहीं लगता है कि ड्राइवर जो है वो दरवाजे पे खड़ा हो और पैसों के चक्कर में कि लाओ पैसे दो हमें। बिल्कुल शादी अगर होता है क्या है सब ले जाती है किसी की। सही, हम कहते हैं आ जाओ यार, चलो बंदा शादी में लगा हुआ, फारिग होकर शादी से दो घंटे तीन घंटे बाद दे जाए। सही, लोगों को शर्म नहीं है। सही, तो इस वजह से जो है ना वो सही लोग भी जो है ना गलत नजर आते फिर। बिल्कुल, तो भाई यही है कि भाई से ख्याल रखें, और आज का हम लोग मेरे ख्याल से हम यही एंड करते हैं क्योंकि आज जिम की छुट्टी है और फिलहाल गाड़ियां भी कोई नहीं, सब गाड़ियां गई हुई बुकिंग पे। अब इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अकरम भाई चैनल को सब्सक्राइब करने का बोल दो यार। सर जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।